नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आप देखते हैं खेल की दुनिया की बड़ी खबरें स्पोर्ट्स 20 में। टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत खेलेगा अपना आखिरी लीग मैच कनाडा के खिलाफ। फ्लोरिडा में होगा मैच, रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत और कनाडा पहली बार क्रिकेट में होंगे आमने सामने। भारत पहले ही सुपर 8 में कर चुका है क्वालिफाई। दोनों टीमों का मैच महज औपचारिकता। टी20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप से बाहर। पहली बार खेल रही अमेरिका की टीम सुपर 8 में पहुंची। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की भेंट चढ़ा। मैच रद्द होने से दोनों टीमों के बीच एक एक अंक बटा। बारिश में धुल गए पाकिस्तान के अरमान। अमेरिका और आयरलैंड के बीच अंक बटने से अमेरिका 5 अंक के साथ किया क्वालिफाई। पाकिस्तान 3 मैचों में 2 अंक के साथ हुआ बाहर। न्यूजीलैंड की टीम का भी टी20 विश्व कप में थम गया सफर। अफगानिस्तान 3 मैचों में 6 अंक के साथ किया क्वालिफाई। न्यूजीलैंड की टीम टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार ग्रुप स्टेज में हुई बाहर। 37 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी की व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। विश्व कप 2024 में श्रीलंका टीम भी टूर्नामेंट से बाहर। बांग्लादेश की नीदरलैंड पर जीत से हुई बाहर। बांग्लादेश ने 25 रनों से दी शिकस्त। टी20 में सुपर 8 के मुकाबले में लिए 6 टीमें क्वालिफाई। ग्रुप बी और ग्रुप डी से एक एक टीमों का आना बाकी। अफगानिस्तान की तरफ से नवीन उल हक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 विकेट पूरे किए। ऐसा कारनामा करने वाले अफगानिस्तान के पहले तेज गेंदबाज बने। शेरफिन रदरफोर्ड ने टी20 विश्व कप का लेकर दावा किया। कहा, हम फाइनल तक खेलेंगे और जीतेंगे। टीम इंडिया के रिजर्व खिलाड़ी शुभमन गिल और आवेश खान वापस लौट सकते हैं भारत। वहीं रिंकू सिंह और खलील अहमद रिजर्व के तौर पर टीम के साथ रहेंगे। मोहम्मद हाफिज के पाक क्रिकेटर आजम खान की फिटनेस पर उठाए सवाल। बोले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं है सीरियस। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाडा का सुपर 8 मुकाबलों से पहला बयान। वेस्टइंडीज में रोमांचक होंगे आगे के मुकाबले। अमेरिका ने न्यूयॉर्क के स्टेडियम को किया जाएगा ध्वस्त। 6 हफ्तों में तोड़ा जाएगा नासाउ काउंटी स्टेडियम। बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी पिच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के लिए शुरू हुई टिकट बुकिंग। 22 नवंबर से खेली जाएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया का पद संभालते ही पहला बयान। देश के युवाओं को मजबूत करने और खेल को आगे लेकर ले जाने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी प्रणय को मिली हार। जापान के खिलाड़ी ने शुरुआती दोनों सेट में हराया। भारत के एथलीट गुलवीर सिंह का कमाल। पोर्टलैंड में ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस प्रतियोगिता में 2रा स्थान हासिल किया। गुलवीर ने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। बहरामपुर से टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को नगर निगम का नोटिस। वडोदरा नगर निगम ने प्लॉट पर अतिक्रमण के लिए भेजा नोटिस।